Hey everyone, so welcome back to my YouTube channel. So we will study the topic Landau's theory of phase transition. Okay, Landau's थ्योरी ऑफ फेज ट्रांजिशन, तो मतलब हम इसमें फेज ट्रांजिशन के बारे में पढ़ेंगे. इन अर्ली 1937, तो 1937 की बात है. लैंडाउ अटेम्प्टेड ए यूनिफाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल सेकेंड फेज ट्रांजिशन. तो इन्होंने किसके बारे में पढ़ा? सेकेंड फेज ट्रांजिशन. लैंडाउ अटेम्प्टेड ए यूनिफाइड डिस्क्रिप्शन, इसकी फुल मतलब यूनिफाइड डिस्क्रिप्शन की सेकेंड फेज ट्रांजिशन की. दिस थ्योरी इज फिनोमिनोलॉजिकल एंड इंडक्टिव अप्रोच दैट डील्स विद मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज. तो जो ये थ्योरी है ये किसके साथ डील करती है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के साथ डील करती है. ओके, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज ओनली. ऑल्सो दिस थ्योरी इज मीन टू बी यूज ओनली इन द नेबरहुड ऑफ ए क्रिटिकल पॉइंट. तो ये जो थ्योरी है ये किसके लिए है? मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट के नेबरहुड में, जो मतलब कि नेबरहुड के लिए है, ठीक है, जहाँ पे जो ऑर्डर पैरामीटर होता है, वहां पे जो जहां पे ऑर्डर पैरामीटर स्मॉल होता है, उस चीज के लिए. लैंडाउ सजेस्टेड दैट द बेसिक फीचर्स ऑफ द क्रिटिकल बिहेवियर ऑफ ए गिवन सिस्टम. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी सिस्टम है तो उसका क्रिटिकल बिहेवियर, लैंडाउ सजेस्टेड दैट द बेसिक फीचर्स ऑफ द क्रिटिकल बिहेवियर ऑफ ए गिवन सिस्टम मे बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेंडिंग इट्स फ्री एनर्जी इन पावर ऑफ ऑर्डर पैरामीटर एम नॉट. तो एम नॉट क्या है? ऑर्डर पैरामीटर है. जो एम नॉट है वो वेरी वेरी लेस होता है 1 से. इन नेबरहुड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, अगर मान लो ये क्रिटिकल पॉइंट है और इसके नेबरहुड की बात करें, ठीक है, तो जो एम नॉट है वो बहुत ही वेरी वेरी लेस होगा 1 से. ही ऑल्सो एग्रीड दैट इन एबसेंस ऑफ ऑर्डरिंग फील्ड H इज इक्वल टू 0, और H इज इक्वल टू क्या होगा? 0. द अप डाउन सिमेट्री ऑफ द सिस्टम वुड रिक्वायर दैट द प्रपोज्ड एक्सपेंशन शुड कंटेन ओनली इवन पावर्स ऑफ एम नॉट. जो मतलब एक्सपेंशन होगा उसमें एम नॉट की सिर्फ इवन पावर होंगी. और अब अगर हम बात करें सेकेंड, मतलब ये सेकेंड फेज ट्रांजिशन थी, अगर हम सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की बात करें, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, अगर हम सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन की बात करें तो क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर इन द सेंस दैट, मतलब कि सेकेंड ऑर्डर का क्या मतलब है? सेकेंड ऑर्डर का क्या मतलब है? दैट द सेकेंड ऑर्डर ऑफ ए फ्री एनर्जी. मान लो कोई भी हमारे पास फ्री एनर्जी है, अगर हम उसके सेकेंड ऑर्डर की बात करें, तो मान लो कोई भी जैसे स्पेसिफिक हीट है सी, ठीक है, सी इज इक्वल टू टी स्केयर करली स्केयर जी बाय करली टी स्केयर. एंड अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो क्या होगा? -1/V करली स्केयर जी बाय करली बी स्केयर. देखो हीट कैपेसिटी में क्या हुआ? टी स्केयर करली स्केयर जी बाय करली टी स्केयर. ये किसके लिए है? ये सेकेंड ऑर्डर हो गया ना, मतलब स्पेसिफिक हीट के लिए हो गया. और सेकेंड ऑर्डर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए क्या हो गया? -1/V करली स्केयर जी बाय करली बी स्केयर. शोज ए डाइवर्जेंस. तो ये मतलब जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब फेज ट्रांजिशन है, ये क्या शो करते हैं? डाइवर्जेंस शो करते हैं. वाइल जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, जैसे कि जो एंट्रोपी होगी S इज इक्वल टू -curly g बाय curly t
टी, एस इज इक्वल टू माइनस करली जी बाई करली टी, और मैग्नेटाइजेशन की बात करें एम इज इक्वल टू माइनस करली जी बाई करली बी. देखो एंट्रोपी में क्या है, माइनस कर लीजिए बाय कर ली टी, यानी कि यहाँ पे क्या है टेम्परेचर, और मैग्नेटाइजेशन में क्या है एम इज इक्वल टू माइनस कर लीजिए बाय कर ली बी. तो ये है मैग्नेटाइजेशन के लिए, और बी हमारा क्या है यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एम है मैग्नेटाइजेशन, और टी टेम्परेचर है. आर कंटी, और तो ये क्या होते हैं कंटिन्यूस होते हैं एट क्रिटिकल पॉइंट्स. देखो जो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये तो डाइवर्जन शो करते हैं, ठीक है, और जो ये हैं ये क्या मतलब ये कंटिन्यूस होते हैं एट क्रिटिकल पॉइंट्स. फिर उसके बाद हम बात करते हैं जाई एम कोमा टी इज द लेंथ ऑफ फ्री एनर्जी. जो ये है जाई एम कोमा टी, ये क्या है लैंड ऑफ फ्री एनर्जी. ओके यहाँ पे टी क्या है स्मॉल टी, टी है कैपिटल टी माइनस टी सी डिवाइडेड बाय टी सी. दस द जीरो फील्ड, जीरो फील्ड क्या होगी एच इज इक्वल टू जीरो, फ्री एनर्जी जाई नॉट एम कोमा टी इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाय एन के टी. ऑफ द सिस्टम में बी रिटर्न एज, तो जो फ्री एनर्जी है उसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे फ्री एनर्जी है जाई नॉट एम टी इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाय एन के टी, ये चीज है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे जाई नॉट एम नॉट टी, तो क्यू टी प्लस आर टी एम नॉट स्केयर प्लस एस टी एम नॉट की पावर 4 प्लस सो ऑन. तो इक्वेशन नंबर होगी 5, नहीं इक्वेशन नंबर होगी 1. तो यहाँ पे क्या है जो जाई नोट है वो है एम नॉट टी क्यू टी प्लस आर टी एम नॉट स्क्वायर प्लस एस टी एम नॉट की पावर 4 प्लस सो ऑन, ऐसे ऐसे, ठीक है. तो इक्वेशन नंबर होगी 1, और यहाँ पे जो टी है मोड ऑफ टी वेरी वेरी लेस देन 1 से लेस है, ठीक है. तो इनके कोफिशियंट को हम कैसे लिखेंगे, जैसे क्यू टी आर टी और एस टी, इनके कोफिशियंट को हम लिखेंगे क्यू टी इज इक्वल टू समीशन के इज इक्वल टू जीरो क्यू के टी की पावर के, और आर टी समीशन k इज इक्वल टू जीरो आर के टी की पावर k, फिर एस टी इज इक्वल टू समीशन k इज इक्वल टू जीरो एस के टी की पावर k. तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2. ये इनके जो कोफिशियंट थे उनको लिखेंगे हम q r और s. तो t इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो क्यू टी हो गया समीशन के इज इक्वल टू जीरो क्यू के टी की पावर के, और आर टी हो गया समीशन के इज इक्वल टू जीरो आर के टी की पावर के, और एस टी इज इक्वल टू हो गया समीशन के इज इक्वल टू जीरो एस के टी की पावर के. तो क्वेश्चन नंबर होगी 2. इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ ऑर्डर इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ ऑर्डर पैरामीटर इज डिटरमाइंड बाय मिनिमाइजिंग जाई नॉट विद रिस्पेक्ट टू एम नॉट. तो इसकी इक्विलिब्रियम वैल्यू निकालने के लिए ऑर्डर पैरामीटर की हम क्या डिटरमाइन करेंगे, बाय मिनिमाइजिंग जाई नॉट विद रिस्पेक्ट टू एम नॉट, जाई नॉट को मिनिमाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एम नॉट, ठीक है.
तो करली जाए बाय करली एम नॉट इज इक्वल टू जीरो इन वन. इसको किस में मिनिमाइज करेंगे, वन में मिनिमाइज करेंगे. तो ये क्या हो जाएगी, जब इसको विद रिस्पेक्ट टू एम नॉट डेरिवेटिव करेंगे तो ये चीज तो जीरो हो जाएगी. हमारे पास क्या बचेगा, ये पावर कम हो जाएगी. तो एक बार करके देखते हैं, जैसे हमने इसका डेरिवेटिव किया तो ये चीज तो जीरो होगी, ठीक है. प्लस टू आर टी एम नॉट प्लस फोर एस टी एम नॉट, टू माइनस वन वन, फोर माइनस वन थ्री इज इक्वल टू जीरो. तो यहां भी दो है, यहां भी दो है, ये दो कॉमन आ जाएगा. और दो कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, आर टी एम नॉट प्लस टू एस टी एम नॉट क्यूब इज इक्वल टू जीरो. तो ये वाली इक्वेशन आ गई हमारी. इसका मतलब क्या है कि एम नॉट इज इक्वल टू जीरो, और एम नॉट को फिर हम क्या लिख सकते हैं, तो मतलब प्लस माइनस फॉर्मूला होता है माइनस आर टी डिवाइडेड बाय टू एस टी, ठीक है, ओवर द रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस एम एस. क्वेश्चन नंबर होगी थ्री. सो सॉल्यूशन एम नॉट इज इक्वल टू जीरो इज वैलिड फॉर, जो सॉल्यूशन है एम नॉट इज इक्वल टू जीरो ये किसके लिए वैलिड है, दिस इज वैलिड फॉर टी ग्रेटर देन जीरो. बट हेयर जो टी लेस देन जीरो है, दैट इज टी लेस देन टी सी, सो द अदर सॉल्यूशंस. तो अदर सॉल्यूशन क्या होंगे, एम नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस एम एस. तो एम नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस एम एस का मतलब क्या है, लीड टू पॉसिबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन इन द सिस्टम. तो जो एम नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस एम एस है, इससे क्या होता है, लीड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन. इससे स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन की पॉसिबिलिटी होती है इन द सिस्टम. टू ऑब्टेन फिजिकल सेंसिबल रिजल्ट, तो टू ऑब्टेन फिजिकल सेंसिबल रिजल्ट वी यूज, तो हम यूज करेंगे आर नॉट इज इक्वल टू जीरो और आर वन ग्रेटर देन जीरो, एस नॉट ग्रेटर देन जीरो इन इक्वेशन टू. इक्वेशन टू में ये इक्वेशन थी ना यहां पे. सो विद दिस इक्वेशन थ्री, तो इक्वेशन थ्री क्या बन जाएगी, इक्वेशन थ्री बन जाएगी वन मोल, नहीं वन मोल नहीं सॉरी, इक्वेशन थ्री, हाँ ये इक्वेशन थ्री क्या बन जाएगी, एम नॉट क्या बन जाएगी, आर वन टू एस नॉट टी की पावर वन बाय टू और टी लेस देन जीरो. क्वेश्चन नंबर फोर, कंपेयरिंग फोर विद क्रिटिकल एक्सपोनेंट. तो फोर को हम क्रिटिकल एक्सपोनेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, एम नॉट टी की पावर बीटा. देन जैसे बीटा इज इक्वल टू वन बाय टू एंड कोरस्पोंडिंग एसम्प्टोटिक एक्सप्रेशन टू फ्री एनर्जी बिकम्स
डब्ल्यू नहीं जाई नॉट टी एम नॉट अप्रोक्स टू क्यू नॉट प्लस आर वन टी एम नॉट स्क्वायर प्लस एस नॉट एम नॉट की पावर फोर ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसको हम प्लॉट करेंगे। ये वाला ग्राफ है टी ग्रेटर देन जीरो के लिए, और ये ग्राफ है टी इज इक्वल टू जीरो के लिए, और ये ग्राफ है टी लेस देन जीरो के लिए। तो ये क्या हो गया, साई नॉट टी एम नॉट। किससे रिलेट करेगा ये, एम नॉट से। सो दिस हैज बीन प्लॉटेड इन फिगर। वी ऑब्जर्व दैट फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, अगर हम टी ग्रेटर देन जीरो की बात करें, देयर इज ओनली वन मिनिमम एट एम नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे सिर्फ एक मिनिमा है एट एम नॉट इज इक्वल टू जीरो, फॉर टी इज इक्वल टू जीरो देयर इज अगेन वन मिनिमा। ये ग्राफ ना थोड़ा ऐसा बनेगा, लाइक ऐसे करके, मतलब थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी वन मिनिमा होगा, बट इट इज रेदर फ्लैट। बट फिर भी ये फ्लैट है थोड़ा, क्योंकि मैंने ऐसे बनाया था, अगर मैंने ऐसे भी बनाया तो भी थोड़ा फ्लैट ही है। तो 40 इज इक्वल टू जीरो, फिर भी वन मिनिमा होगा। फॉर टी लेस देन जीरो, अगर टी लेस देन जीरो की बात करें, देयर आर टू मिनिमा। तो यहां पे टू मिनिमा है, ठीक है, माइनस एम एस और प्लस एम एस। तो एट एम नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस एम एस। अगर एम नॉट इज इक्वल टू प्लस माइनस एम एस की बात करें, विद द मैक्सिमम एट एम नॉट इज इक्वल टू जीरो, नाउ सिंस जाई नॉट हैज टू बी कन्वेक्स इन एम नॉट, तो जाई नॉट को एम नॉट में क्या होना पड़ेगा, सो दैट सेसेबिलिटी ऑफ द सिस्टम बी नॉन नेगेटिव। तो उसको कन्वेक्स हैज टू बी, उसको कन्वेक्स होना पड़ेगा। कन्वेक्स क्यों होना पड़ेगा इन एम नॉट में कन्वेक्स क्यों होना पड़ेगा, सो दैट ससेप्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम बी नॉन नेगेटिव, ताकि सिस्टम की जो ससेप्टेबिलिटी है वो नॉन नेगेटिव हो सके। वी रिप्लेस टू मिनिमा इन कर्व फॉर टी लेस देन जीरो। टी लेस देन जीरो के लिए हम दो मिनिमा रिप्लेस करेंगे बाय अ स्ट्रेट लाइन, विच ससेप्टेबिलिटी वुड बी, जिसके लिए ससेप्टेबिलिटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। नाउ वी सब्जेक्ट टू द सिस्टम टू एन ऑर्डिनरी फील्ड एच। अगर हम एच की बात करते हैं, ऑर्डिनरी फील्ड एच की, एज्यूम्ड पॉजिटिव, उसको हम पॉजिटिव एज्यूम कर लेंगे, क्या है ये पॉजिटिव। तो इफ फील्ड इज वीक, अगर हमारी फील्ड क्या है, वीक है, दे द ओनली चेंज इन एक्सप्रेशन फॉर फ्री एनर्जी वुड बी द एडिशन ऑफ अ टर्म माइनस एच एम, वो क्या होगी, माइनस एच एम होगी। सो देयरफॉर जाई एच
क्या हो गया? एच एम, इसकी वैल्यू क्या होगी फिर? माइनस एच एम प्लस क्यू टी प्लस आर टी स्केयर, मतलब एम स्केयर प्लस एस टी एम की पावर 4 प्लस सो ऑन, और ये होगी इक्वेशन नंबर 6। क्योंकि ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 थी। और इक्वेशन नंबर 5, ये वाली इक्वेशन नंबर 5 थी, और इक्वेशन नंबर 6। इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ m इज देन गिवन बाय, तो इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ m क्या होगी? करली जाई n प्लस करली m इज इक्वल टू 0। दैट इज क्या होगी वो? h प्लस 2rt m प्लस 4st m क्यूब इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 7 है। h प्लस 2rt m प्लस 4st m क्यूब इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। एंड लो फील्ड ससेप्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम m यूनिट ऑफ n mu स्क्वायर अपॉन kt, n mu square upon kt terms out to be low field susceptibility of the system with in units of n mu square upon kt turn out to be, तो low field susceptibility क्या होगी? Low field susceptibility लो फील्ड ससेप्टेबिलिटी होगी जाई इज इक्वल टू करली एच बाय करली एम की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आर टी प्लस 12 एस टी एम स्केयर। तो ये किसके लिए वैलिड है? एच अप्रोचेस टू 0, ये इस चीज के लिए वैलिड है, ठीक है? जाई करली एच बाय करली एम की पावर माइनस एम 1 अपॉन 2 आर टी प्लस 2 एस टी एम स्केयर, किसके लिए वैलिड है? एच अप्रोचेस टू 0, तो इक्वेशन नंबर होगी 8। तो दिस वॉज फॉर लो फील्ड ससेप्टेबिलिटी। और अगर हम टी ग्रेटर देन 0 की बात करें, यानी कि टी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? मिनिमा एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पर मिनिमा का मतलब क्या है? टी व्हेन एम अप्रोचेस टू 0 we have xi 1 upon 2 rt because rt क्या था हमारा? rt is equal to था r naught प्लस आर वन टी प्लस आर टू टी स्केयर प्लस सो ऑन अप्रोक्स टू आर वन प्लस आर वन टी एज आर नॉट इज इक्वल टू 0।
तो ये हमें बाय फोर्थ इक्वेशन मिला है, ये थी ना फोर्थ इक्वेशन यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे भी टी लेस देन जीरो के लिए केस था। तो यहाँ पे हम नाइन्थ इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। नाइन्थ इक्वेशन हमारी क्या है, ससेप्टिबिलिटी 1/2 RT, यानी कि 1/2 R1T, ये है नाइन्थ इक्वेशन। और इसको फोर्थ के साथ कंपेयर करेंगे तो ये R1/2 S0 T की पावर 1/2, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा M 1/4 S0 1/3 H की पावर 1/3 इक्वेशन नंबर 10। कंपेयरिंग 10 विद इक्वेशन नंबर 5, तो यहाँ अगर हम 10 को अगर इक्वेशन नंबर 5 के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, S = 3, ठीक है। नाउ वी शिल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट फिल एंड CN, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट फील्ड एंड CM, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट मैग्नेटाइजेशन। अगर T ग्रेटर देन जीरो है देन H अप्रोचेस टू जीरो, M अप्रोचेस टू जीरो, सो इन दिस लिमिट देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन CN और CM में कोई डिफरेंशिएट नहीं है, तो जो इक्वेशन वन है वो हमें यूनिट्स ऑफ एन के देती है, विच इज CN = CM - curly square mu naught / curly T square, M approaches to zero, -2 Q2 + 6 Q3 + 1 for T > 0, equation number 11। For T less than 0, when M = M0 approaches to MS, तो CM क्या होगा, -2 Q2 + 6 Q3 + so on + 2 R2 + so on MS² + so on। Now it can be shown that
it follows that CM possesses a cup-like singularity at t is equal to 0. C lambda undergoes a jump discontinuity of magnitude. So C and T approaches to 0 is equal to C and using critical exponent 2 and 12 or B, we obtain alpha is equal to 0. Thus, Landau's theory gave some critical exponent as given by mean field theory. So, this was the Landau theory. थोड़ी सी मतलब आगे ठीक है, आगे थोड़ी complicated थी. So, guys, ये theory बहुत बड़ी थी. मैं थक गई से करते करते. So, अगर इसमें थोड़ा कुछ बचा होगा, वैसे तो इसमें कुछ बचा नहीं है, सारा तो मैंने मेन तो सारा करा दिया. अगर बचा होगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करा दूंगी. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट.